नमस्ते, अमृतम श्रेणी में श्री अरविंद की साधना प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो अश्वपति की साधना के नाम से प्रचलित है। सावित्री में अश्वपति की साधना के जरिए उन्होंने अपनी साधना को वर्णित किया है। श्री अरविंद ने मेरे भीतर के अमृत तत्व को स्पर्श किया है, इसलिए मैं ऋणी हूं। आई एम जस्ट टू एक्सप्रेस दैट ग्रेटिट्यूड आई एम प्रेजेंटिंग टू यू श्री अरविंदो समराइज्ड। तो ही मेड ऑफ मिरेकल ए नॉर्मल एक्ट एंड टर्न टू ए कॉमन पार्ट ऑफ डिवाइन वर्क्स magnificently natural at this height, efforts that will shatter the strength of mortal hearts, pursued in a royalty of mighty ease, aims too sublime for nature's daily will, the gifts of the spirit crowding came to him, they were his life's pattern, and his privilege. Page 26, Savitri. जो चीज हम सामान्य लोगों को चमत्कार जैसी लगती है, वे सब अश्वपति के लिए सामान्य क्रिया बन गई। जो अवस्था पर अश्वपति पहुंचे थे, वहां सामान्य मर्त्य मानवी की तो हृदय की शक्ति क्षीण कर दे ऐसे प्रयास, दिव्य कार्य उनके लिए रोज बरोज की सामान्य क्रिया बन गए। हमारे लिए तो हमारे हृदय की शक्ति क्षीण हो जा सकती है अगर हम ये सब करें तो, पर उनके लिए ये सामान्य बन गया। प्रकृति के रोज बरोज के संकल्पों के लिए जो ध्येय अति उच्च है, वे सब अश्वपति राजवी अदा से, क्योंकि राजा ही है, राजवी अदा से सहजता से सिद्ध कर सकते थे। उन्हें विपुल मात्रा में आत्मा के आशीष मिलने लगे और वही आशीष उनको जीवन की रीत और पैटर्न और उनके विशेषाधिकार बन गए। वेद में कहा गया है कि आत्मा जिस पर प्रसन्न होता है वो कैसे इसका वर्णन करता है। जैसे एक पत्नी अपने प्रियतम के सामने निर्वस्त्र होने में संकोच नहीं करती है, ऐसे ही आत्मा जब प्रसन्न होता है तो अपनी शुद्धतम स्वरूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और यहाँ यही हुआ है। ए प्योर परसेप्शन लैंड इट्स ल्यूसेंट जॉय, its intimate vision waited not to think, it enveloped all nature in a single glance, it looked into the very self of things, deceived no more by form, he saw the soul. आत्मा की प्रथम बख्शीश क्या है? अगर आत्मा हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमें पहली गिफ्ट क्या देता है? वो विशुद्ध मानसी दृष्टि देता है, सम्यक दृष्टि। ऐसी दृष्टि अश्वपति को निर्मल आनंद प्रदान करती है। सामान्य मन जो उच्च अच्छे और बुरे को संकल्प विकल्प के विचार करता रहता है, ये अच्छा है या बुरा है, ये ऐसे संकल्प विकल्प करता रहता है, ये मैंने ऐसा किया होता तो, ऐसा होता तो, मैंने क्यों ऐसा बोला, वगैरह वगैरह, सामान्य व्यक्ति ये सब सोचता रहता है। पर अश्वपति वह गहन और घनिष्ठ दृष्टि प्राप्त होने से अब ऐसे विचार उनके लिए आते नहीं थे, बंद हो गए थे। वह निकटतम वस्तु मात्र में सुस्पष्ट दृष्टि करते थे और एक ही दृष्टिपात में समग्र प्रकृति को समाहित कर देते थे। स्वरूप द्वारा
वो ठगे जाए बिना, नो ही कुड नॉट बी डिसीव्ड बाय द फॉर्म, आउटर फॉर्म, वो सीधा आत्मा का दर्शन कर सकते थे। सीधा दर्शन, कोई ऊपर से अच्छी तरह से सज धज के आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भीतर देखता है। इन बींग्स इट न्यू व्हाट फ्लोड टू देम अननोन, इट सीज द आइडिया इन माइंड, द विश इन द हार्ट, इट प्लक्ड आउट फ्रॉम ग्रे फोल्ड्स ऑफ सीक्रेसी द मोटिव्स विच फ्रॉम देयर ओन साइड मैन हाइड। पेज 26-27। विशुद्ध दृष्टि से अब मनुष्य के भीतर छुपी हुई चीज वो देख सकते थे। उनके सामने कोई अभी कोई कोई कुछ भी बात छिपा नहीं सकता है। हमारे गोंडल में नाथालाल दवे करके एक हो गए, जो योगी हरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, और हमारे संत विभूति मकरंद दवे ने योगी हरनाथ के सानिध्य में ऐसी किताब लिखी है। तो इसमें एक दृष्टांत आता है कि वहां उस गांव में रामलाल करके एक ऐसा दुष्ट तत्व रहता था, दारू पीता था, जुगार वगैरह, और पूरे गांव में जो भी बुरा होना चाहिए वो सब बुरा उनके जरिए होता था। रामलाल बाई चांस, उसका भाग्य पता नहीं क्या खिल गया, एक बार उन्हें मिलने आया। तो नाथालाल दवे, जिसे हम भाई कहते हैं प्रेम से, उन्होंने पूछा कि अगर तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूं, तो मैं जो चाहता हूं वो मुझे दे देगा? एक दो मिनट के लिए तो रामलाल को कुछ पता नहीं चला, पर सोचा कि ये बड़े लोग हैं, कहते हैं तो अच्छा है। रामलाल ने कहा जरूर। अभी रामलाल ऐसा दुष्ट इसलिए था कि इसके भीतर एक बहुत बड़ा घाव था। वो घाव क्या था? वो संततिहीन था। उसके घर में बेटा या बेटी कोई नहीं था, संतान नहीं था, और भाई ने वो देख लिया, बोला कि जा, एक साल के बाद तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। और एक साल के बाद रामलाल के वहां पुत्र का जन्म हुआ। रामलाल खुशी खुशी मिलने आता है, तो वो याद कराते कि अभी मैंने तो तू जो चाहता है दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि तू ये सब गोरख धंधे काले धंधे छोड़ दे, अच्छी तरह पत्नी के साथ अच्छा संसार बिताना शुरू कर दे और एक अच्छा सज्जन बन जा। एंड लिटरली रामलाल टोटली चेंज्ड। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भीतर देखते हैं, बाहर का एपीरेंस नहीं देखते। तो उनकी विशुद्ध दृष्टि से अब मनुष्य के भीतर छुपी हुई चीज वो देख सकते थे। हमारे स्वरूप में ऐसे विचार भावना वगैरह छुपे हुए हैं जो हम जानते नहीं है। वी आर ऑल्सो डॉक्टर जैकिल एंड हाइड। दिन में कुछ होते हैं हम, रात में कुछ होते हैं, हमें पता ही नहीं है। ये सावित्री में आके शेरविंद ने अद्भुत लिखा है कि हमारे भीतर भी सभी राक्षस जन, जो भी कहते हैं हम दुष्ट लोग सब रहते हैं, मीन्स सभी भावना के स्वरूप में रहते हैं, परंतु विशुद्ध दृष्टि सब जान लेती है। और आवरण में छुपाने के हेतु जो गुप्तता की अस्पष्ट फोल्डिंग में छुपाई होती है, कभी कभी हम जानते हैं हमारी बुराई तो हम जानबूझ के छुपा देते हैं, वो भी अब बाहर आ जाती है और सच्चे भाव की अनुभूति होती है।
एक बार माता जी के पौंडीचेरी में माता जी के दर्शन के लिए एक लाइन लगी थी और इसमें पांचवे या छठे क्रम में शूटेड बुटेड एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मॉडर्न। और माता जी ने बोला, ये मधु छांदस है जो खड़ा है। मधु छांदस वो वेद का ज्ञाता, दर्शन जिसने किए थे वेद के मंत्र, वो मधु छांदस ऋषि। इस जन्म में ये शूटेड बुटेड होके माता जी के सामने आया था और बोले कि ये मधु छांदस है। उनकी दृष्टि में कुछ भी बात छुपाई नहीं जाती। आगे, ही फेल्ट द बीटिंग लाइफ इन अदर मैन, इनवेड हिम विद देयर हैप्पीनेस एंड देयर ग्रीफ, देयर लव, देयर एंगर, देयर अनस्पोकन होप्स, एंटर्ड इन करंट्स और इन पोरिंग वेव्स इन टू द इमोबाइल ओशन ऑफ हिज काम। पेज 27। अन्य लोगों के जीवन में स्पंदन होते सब भाव आंदोलन, उनके सुख दुख, हर्ष शोक, प्रेम क्रोध, उनकी अनकही उम्मीदें, सब अश्वत्पति के स्वरूप में सागर की लहरों की तरह भीतर प्रवेश करती थी। ये सब लहर की जैसे, सब ये सब अन्य लोगों के भाव स्पंदन उनमें प्रवेश करते थे, किंतु उनकी चेतना के स्थिर सागर की शांति में कोई भी अवरोध नहीं होता था। ये सब जो भी आसपास रहते थे वो सब उनके अपने आंदोलन उनके सामने अपने आप आते थे, पर भीतर का सागर बिल्कुल निस्तब्ध था, शांत था, नीरव था। He heard the inspired sound of his own thoughts re-echoed in the vault of other minds. The world's thought streams traveled into his ken. His inner self grew near to other selves and bore a kinship's weight, a common tie that stood untouched, king of itself. हेलो, अपने विचारों का प्रेरित प्रतिध्वनि मीन्स इकोस का अन्य चित्त में ध्वनित होता वो सुन रहते थे। अपने जो विचार आते थे वो दूसरे में वो इसका इको, इसका प्रतिध्वनि पड़ता था और वो सुनाई देता था उनको। विश्व विचार का प्रवाह अपने अंदर प्रवेश करता हुआ और अपने अंतरात्मा सर्व आत्मा के साथ ऐक्य होते हुआ वो अनुभव करते थे। आदि शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम लिखा है, इसमें लिखा है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान के ज्ञान स्वरूप दक्षिणामूर्ति की आराधना करते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि विश्व में जो भी होता है वो सब उनके लिए एक दर्पण की तरह, दर्पण में जैसा प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है, ऐसे विश्व में जो भी होता था वो उनमें प्रतिबिंब की तरह प्रस्थापित हो जाता था, उन्हें प्रतिबिंब भास होता था। सब कुछ जो भी वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड, जैसे हम स्वप्न में सब कुछ देखते हैं, जागृत होके वो स्वप्न स्वप्न चला जाता है, जागृत होके हम जागृत के रियलिटी को जैसे देखते हैं, ऐसे ही यहाँ भी अश्वपति को विश्व विचार का प्रवाह अपने अंदर प्रवेश करता हुआ और अपना अंतरात्मा सर्व आत्मा के साथ ऐक्य होते हुआ वो अनुभव करता था।
खुद का अन्य सर्व आत्माओं के साथ संबंध हो ऐसा अनुभव करते हुए भी, सबके साथ संबंध था, ही वॉज इन रिलेशन विथ अदर्स, फिर भी वह खुद एक अनासक्त, अस्पृष्ट, जिसे स्पर्श नहीं किया जाता और अपना स्वरूप का राजाधिराज अनुभव करता था। वो अपना अपने स्वरूप में तो वो राजाधिराज था, पर सबके साथ भी संबंध रखता था, सब इनमें थे और वे सब में थे। ये चरम अनुभूति है, एक स्टेप है नो डाउट अध्यात्म का, आत्मदर्शन का, पर इसमें सब मुझ में है और मैं सब में हूँ, ये अनुभव होता है। टिश्यू एंड नर्व वेर टर्न टू सेंसिटी कोर्स, रिकॉर्ड्स ऑफ लस्टर एंड एक्सटेसी, इट मेड द बॉडीज मीन्स द स्पिरिट्स एकोलाइट्स। पेज 27। मांसपेशियां, नर्व्स वगैरह, तेज, प्रकाश, आनंद और स्वर्गीय आनंद को ग्रहण कर सकती थी। देह के सब अंग उपांग अब सेवक रहने के बजाय आत्मा के करण और मददकर्ता बन गए थे। अब तक वो सब सेवक थे, सब नाड़ियां, हमारा तेज, हमारा प्रकाश, हमारा आनंद, हमारी मांसपेशियां, सब अब वो उनके करण बन गए, सेवक नहीं रहे, उनके साधन बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत सुंदर काव्य लिखा है, इसमें एक आदमी अपने सितारों के तार को ठीक कर रहा था और गाना गाने के लिए वो सब इसे सुर मिला रहा था, और परमात्मा उसके सामने आते हैं, कहते हैं कि तू बराबर सुर मिला दे, फिर हम देखते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने सुर मिला दिए, अच्छी तरह तार वगैरह इकट्ठे कर दिए, अच्छी तरह रिदमिकल, फिर वो खुद बजाने लगा। परमात्मा आए फिर से, बोला कि मैं इंतजार करता था कि तू तार ठीक कर दे, बाद में मैं अपना संगीत बजाना चाहता था, पर अब तूने खुद का संगीत बजाना शुरू कर दिया है तो मेरा संगीत नहीं रहा। हमें उनके करण बनना है परमात्मा के, अगर हम उनके करण बनेंगे तो हमारे में जो भी होगा वो सब उनकी क्रिया होगी, उनकी क्रिया का परिणाम होगा, उनका संगीत होगा। तो हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है, परमात्मा को इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं है। ए हेवनलियर फंक्शन विद अ फाइनर मोड लिट विथ इट्स ग्रेस मैन्स आउटवर्ड अर्थलीनेस, द सोल्स एक्सपीरियंस ऑफ इट्स डीपर शीथ्स, नो मोर स्लैप ड्रग्ड बाय मैटर्स डोमिनेंस। पेज 27। आत्मा सिर्फ जड़ द्रव्य के आवरण के पीछे होता है ऐसा नहीं है, कई सूक्ष्म देह और कोष उसे आवृत्त करने का काम करते हैं, सिर्फ मटेरियल कवरिंग नहीं होता है, बाकी सूक्ष्म देह है हमारे में, भीतर पंच कोष है वगैरह भी काम करते हैं, हमारा स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय, हमारी चार अवस्था का मांडुक्य उपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन है, कभी हम लेंगे। तो ये सब उसे आवृत्त करने का काम करते हैं। अब सुंदर पद्धति सहित का स्वर्गीय कार्य मानव की बाह्य पार्थिवता को अपने लावण्य से प्रज्वलित करते हैं, फिर वो अंतरतम कोशों की आत्मा की अनुभूतियां जड़ द्रव्य से आवृत्त होकर निद्राग्रस्त नहीं रहते। जड़ द्रव्य हमें निद्राग्रस्त, हमें तमस में डाल देता है, पर जब ये जागृत हो जाता है तब हमारी बाह्य पार्थिवता
बाह्य कार्यशीलता उस पर असर नहीं करती है, और स्वर्गीय कार्य जो होने वाला है वो मानव की बाह्य पार्थिवता को अपने लावण्य से प्रज्वलित करती है। फिर वो अंतरतम कोशों की आत्मा की अनुभूतियाँ जड़ द्रव्य से आवृत होकर निद्राग्रस्त नहीं रहती है। गीता में दो शब्द है, एक है प्रमाद, इंद्रियों की सभी वृत्तियां जो है उनको अननेसेसरी जरूरी नहीं है ऐसे उनका उपयोग करके इसमें व्यस्त रहना, वो प्रमाद है। और जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करना वो आलस्य है। प्रमाद और आलस्य को भगवान ने अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो अवर्ल्ड एंड सीन, अननोन बाय आउटवर्ड माइंड, अपीयर इन द साइलेंट स्पेसेस ऑफ द सोल, पेज 27। हमारी पार्थिव इंद्रिया जिसे ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा अनजान विश्व आत्मा के मौन परिसर में प्रकट होता है। पार्थिव इंद्रिया जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसे हम अनुभव करते हैं, जो इंद्रिया से वो है, पर वो सब कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। अनजान विश्व, अननोन वर्ल्ड है। हमारे जो रैशनलिस्ट है वो अननोन वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनका मौकरी किया जाता है। इवन बुद्ध ने मेटाफिजिक्स की बात नहीं की है, पर जानबूझ के नहीं की है। यहां ऐसा अनजान विश्व आत्मा के मौन सर परिसर में प्रकट होता है, अपीयर इन द साइलेंस स्पेसिस ऑफ द सोल, अवकाश में। He sat in secret chambers, looking out into the luminous countries of the unborn, where all things dreamt by the mind are seen and true, and all that the life longs for is drawn close. Page 27. Ashwapati अपने अंगत अपने private खंड में बैठे हैं। उनकी दृष्टि बाहर की दिशा में अजन्मा के प्रकाशपूर्ण प्रदेशों की प्रति स्थिर हुई है। अंदर भीतर बैठे हैं, अंदर के कण में, भीतर के कण में, प्राइवेट कण में, और उनकी दृष्टि कहाँ स्थिर हुई है? बाहर की दिशा में अजन्मा, जो अजन्मा है, जिसका अंत भी नहीं है, जिसका जन्म भी नहीं है, अजन्मा के प्रकाशपूर्ण प्रदेशों प्रति स्थिर हुई है। वहां मन जिसका स्वप्न देखता है वे सब सत्य स्वरूप में प्रत्यक्ष होता है, और जीवन की सभी झंकना साकार होती है। मांडुक्य उपनिषद में हमें वचन दिया गया है, ऋषि कहते हैं कि जो जागृत स्वरूप में तू पुरुष स्त्री मदयुक्त सब लिक्विड प्रवाही सब जो तू भोगता है, अन्न पानी सब कुछ जो भोगता है उसे सिर्फ तू देखता है ऐसा तेरी समझ में आ जाए, वो तू नहीं है, तू उसे देखने वाला है। और जो ऐसा जान लेता है कि मैं देखने वाला हूं, मैं खुद नहीं हूं, जो खाता हूँ, अन्न ग्रहण करता हूँ, पानी पीता हूँ, सब भोग भोगता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे देखने वाला हूँ। तो मांडुक्य उपनिषद का ऋषि कहते हैं कि वो जब देखना शुरू करता है कि वो देखने वाला है, तब उसके सभी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं और सबका आदि हो जाता है, सबका प्रमुख हो जाता है। तो यहाँ भी अश्वपति अपने अंगत खंड में बैठे हैं, उनकी दृष्टि बाहर की दिशा में अजन्मा के प्रकाशपूर्ण प्रदेश प्रति स्थिर हुई है।
वहां मन जिसका स्वप्न देखता है वे सत्य स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। जो भी सपने देखता है, वॉट एवर माइंड डिजायर्स गेट्स फुलफिल्ड, और जीवन की सभी झंकना साकार होती है। एंड जो भी तृष्णा होती है, जो भी जीवन में पाना होता है, वो सब वो पा सकता है, उसके सब सभी संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो अष्टपदी की साधना में हम आगे फिर मिलेंगे। ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमेश्वर।